हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत दिनों बाद आई हूं और एक्चुअली मेरे हाथ में हुआ था लाइनर फ्रैक्चर, इस वजह से मैं आप लोग के साथ कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, ना ही कोई ब्लॉग डाल पाई। रेसिपी शायद अभी भी ना शेयर कर पाऊँ क्योंकि मेरे हाथों में भी हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, पर आप लोग के साथ ब्लॉग ज़रूर दिखाऊँगी इस तरीके से छोटे छोटे। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ हमारे यहाँ हर छठ पूजा कैसे हुई थी। मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा था वीडियो, मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि हमारे यहाँ हर छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। हर छठ पूजा कहते हैं कि जहाँ पे हल छल के जो भी अन्न उगाया जाता है उस चीज़ को नहीं खाते हैं, और आज के दिन ना गाय का दूध खाते हैं, आज के दिन भैंस का दूध खाते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग कि आज के दिन कोई भी मतलब अलग से चीज़ें खाई जाती हैं। एक तिन्नी का चावल होता है वो खाते हैं। और चलिए दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे महिलाएं पूजा कर रही हैं और ये देखिए फूल धूप दिया और अगरबत्ती जला करके इस तरीके से पूजा करती हैं। और प्रसाद में यहाँ पे होता है महुआ दही और तिन्नी का चावल मिला के प्रसाद बनाती हैं। कुछ लोग तिन्नी के चावल की पूड़ियाँ भी बनाती हैं और जल में दूध और जल चढ़ाती हैं, वस्त्र चढ़ाती हैं। और ये देखिए ढाक का पेड़ और कुश का पेड़ होता है, उसी में होती है इसकी पूजा। अगर जिन लोग के पास ये नहीं मिलता है तो अपने आंगन में कुश मंगा के और ढाक का पत्ता मंगा के पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से पेड़ के पास पूजा की जाती है और ढेर सारी महिलाएं इस तरीके से आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एक महुआ का पेड़ है, उसी के नीचे सफाई करके बिछाया गया बैठने के लिए। यहाँ पर औरतें आके बैठेंगी पूजा करने के बाद। और तालाब के किनारे ही है ये तालाब, बहुत बड़ा है। इस पार से उस पार जहाँ पे हम लोग पूजा करने गए थे उतना ही बड़ा तालाब है। और यहाँ पे देखिए प्रसाद में, देखिए आपको पास से दिखाते हैं, ये महुआ है, दही है और तिन्नी का चावल है। ये तिन्नी का चावल कहते हैं तालाब में होता है जहाँ पे हल नहीं चलता, इसलिए इसको लोग खाते हैं व्रत में। और आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ढेर सारी महिलाएँ यहाँ पर भी इकट्ठी हुई हैं और भी औरतें आने वाली हैं, पूजा कर करके आती जाती हैं। और जब सब इकट्ठी हो जाती हैं तो सब एक दूसरे को प्रसाद देते हैं और सब जो बड़े होते हैं उनके पैर भी छूते हैं यहाँ पे। और फिर कहानी होती है और गाना वगैरह गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सालों बाद मैंने इसको देखा, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।